क्या आपको पता है अपने आप ट्रेडिशनल वुड एलिमेंट्स के साथ कुछ मॉडर्न पेंट फिनिशेस डाल के अपने घर का लुक बदल सकते हैं। यस, आपको पूरे घर का फर्नीचर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बाय एडिंग फ्यू पेंट टिप्स जो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, मल्टीपल कलर्स विद द एक्सटेंशन ऑफ द वुड अगर आप डाल दें तो आपका घर का लुक चेंज हो जाएगा। दिस इज शशांक जैन, को फाउंडर ऑफ वुडोफा इंटीरियर्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन आइकन देयर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ पेंट के टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि जो आप वुड के एलिमेंट्स के साथ, अगर आपके पास ट्रेडिशनल वुड एलिमेंट्स हैं, एक डाइनिंग टेबल है, सोफा है, बेड्स हैं और आप अपना फर्नीचर नहीं चेंज करना चाहते, बट आप अगर कुछ ये पेंट फिनिशेस को डाल देंगे या कुछ मॉडर्न पेंट कलर्स को डाल देंगे तो वो घर अच्छा लगने लगेगा। तो मेरा पहला टिप है पेंट को लेके, ग्रीन्स। अगर आपके पास डार्क वॉलनट कलर की वुड है जो कि बहुत ज़्यादा चॉकलेटी ब्राउन होती है, उसके एलिमेंट्स आपके घर में या लिविंग रूम में या बेडरूम में लगे हुए हैं, तो यू कैन प्लेस ग्रीन कलर्स और लाइट ग्रीन कलर्स और पैरेट ग्रीन कलर्स ऑन द वॉल्स। सो आप अपनी चारों वॉल्स को लाइट ग्रीन टोन में दे सकते हैं। अगर आप एक वॉल को पेंट करेंगे और तीन को वाइट रखेंगे तो इट विल नॉट लुक दैट ग्रेट, बट अगर आप चारों को लाइट ग्रीन टोन में डाल देंगे तो इट विल लुक नाइस। सेकेंड टिप इज क्रीम्स। क्रीम्स मेरा फेवरेट है और वुडन टोन के लिए बहुत अच्छा जाता है। सो आप कोई भी क्रीम कलर का कलर, पेंट कलर यूज़ कर सकते हैं और अपने उस दीवारों को, चारों दीवारों को क्रीम कर दीजिए। बट अब यहाँ पर एक्सेंट कुछ डालना होगा, मे बी एक कुशन डाल दीजिए डिफरेंट कलर का या एक फ्लोर लैम्प डाल दीजिए और उन पेंट को तो क्रीम रखिए पर उसके साथ एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। बेज टैन एंड आइवरी इज़ नो ब्रेनर। हम सबको पता है कि वुडन एलिमेंट्स के साथ बेज कलर, टैन कलर या आइवरी कलर चलता है, बट क्या आपको पता है कि उसके वेरिएशंस और उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेज कलर यूज़ किया है अपने एक वुडन के लाइट शेड या डार्क शेड के साथ, आपको कंपैरेटिवली एक रग या एक एक्सेंट या एक फ्लोर लैम्प या कोई और चीज़ उसको यूज़ करनी पड़ेगी सो दैट वो खाली वुडन के एलिमेंट्स ना दिखें उस पूरे घर में। यू हैव टू इंड्यूस दीज कलर्स ऑल्सो, उसके साथ आपको वो कलर्स डालने होंगे। सिमिलरली एक कलर है विच इज़ लाइट ब्लू। सो अगर आपकी चारों दीवार लाइट ब्लू है और आपके कुछ वुडन टोन्स भी वहाँ पर हैं उस बेडरूम के अंदर या उस लिविंग रूम के अंदर, वो भी बहुत अच्छा है। अगर कोशिश करके आप कर सकें तो अपने डोर विंडोज़ को वाइट कर लीजिए या वाइट की सीलिंग्स रख लीजिए तो उससे और एनहांसमेंट हो जाएगा। तो इट विल स्टार्ट टू अपीयर लाइक अ मोर ब्रिटिश अपार्टमेंट, वो ज़्यादा ब्रिटिश की टोन्स लगने लगेंगी। वो भी बहुत अच्छा टोन है लाइट ब्लू के साथ जो कि चलेगा। वन ऑफ माई फेवरेट टोन इज गाइस ग्रे। सो वुड के एलिमेंट, चाहे वो अमेरिकन ओक वुड हो, डार्क वॉलनट हो, लाइट हो या फिर नेचुरल टीक हो, अगर ग्रे की सही क्वांटिटी यूज़ करी जाती है उसके साथ, इवन ऑन द पेंट्स या अपोस्ट्री में या कहीं और एक्सेंट्स में, तो बहुत सुंदर लगता है। बट ग्रे इतना ज़्यादा भी नहीं यूज़ होना चाहिए कि वुडन को सबसाइड कर दे। तो आपकी वुडन के एलिमेंट्स की प्रायोरिटी है ग्रे, आप एक या दो या तीन वॉल्स पर यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर यंग मॉडर्न कपल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेरिमेंट, अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो एक्वा शेड्स, यस ब्लू या एक्वा शेड्स को यूज़ किया जा सकता है विद अ हिंट ऑफ वुडन एलिमेंट। इट माइट नॉट हैव टू मच ऑफ वुडन एलिमेंट्स, तो ज़्यादा एलिमेंट्स वहाँ पे एक्वा के और ब्लू के होंगे और वुड की बहुत छोटी सी टोन मे बी ऑन द सीलिंग या वुडन फ्लोरिंग या कुछ और एलिमेंट्स ऑन द टीवी यूनिट्स या मे बी ऑन द वार्डरोब, फ्यू ऑफ द एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो लुक वेरी नाइस एंड मॉडर्न विद सम कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स ऑलरेडी पार्क, वो कुछ ना कुछ वहाँ पर पार्क रहेगा इसके साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप कुछ अर्थी एलिमेंट्स लाइक रेड, ऑरेंजेस या मरून्स भी यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे एक अच्छे होटल में आप देखें तो आपको ऐसे अर्थी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आप अपने घर को भी केरला स्टाइल होम आई विल से बना सकते हैं। सिंपल काम करना है, वुडन के एलिमेंट्स को वुडन रहने दीजिए, जो बेड है उसको बेड वैसे ही रहने दीजिए, कलर मत चेंज करिए, बट कुछ रेड एलिमेंट्स, मे बी अ रेड कुशन, मे बी अ मरून, मे बी एन ऑरेंज और सम ऑफ द अदर अर्थी एलिमेंट जो भी यूज़ कर सकें तो आप उस कमरे में यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई टिप्स फॉर डेकोरेटिंग द हाउस पेंट के शेड्स के साथ, आप कैसे अपने वुडन एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और एक अपना घर को अच्छा डेकोर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं या मुझे कुछ और इसके अंदर एनहांस करके आपको दोबारा बताना है। थैंक यू सो मच।